वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, चन्नानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक बंद पेट्रोल पंप है, वहां पर कुछ गाड़ियां खड़े रहते हैं। एक स्कूल की बस में आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल पाया गया। इतला मिलते मुगलपुरा फायर इंजन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तकी रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। मिले 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 मिलेगा उंडो अन्ना सुशी। अरे भाई और बगीटा की पक्के जा रहे अन्ना ही कर रहा नू ये भी इम्पोर्टेंट है ना जी। पानी लाओ भाई, पानी लाओ बड़ा भाई, ला रे ला रे गाड़ी आ रही। मिले मिले कोई अन्ना एक लोपट के क्यों कहा ना मैं पाइन भाई के लिए मिले वो जाओ। सादे खली है, मैं लीडिंग फायरमैन हूँ स्टेज फायर स्टेशन मोगलपुरे का। हमारे को फायर कंट्रोल से कॉल आया है, कॉल आते हम इमीडिएटली हम स्पॉट पे आ गए। आने के बाद हम लोग फायर को कंट्रोल कर लिए, वरना ये पेट्रोल पंप है ये, अगर हम थोड़ा भी मिस होते और हमारे पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं करते तो खुद हादसा बहुत बड़ा हो जाता था ये। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आ गया फायर और फायर कंट्रोल कर लिया हम लोग, बड़ा हादसा होने से हम बच गए। कहाँ पर और कब हुआ सर? ये जस्ट हाफ एन आवर बिफोर हुआ ये फायर। ये उस एरिया में, ये चंद्रानगुट्टा बारकास रोड है, ये रिलायंस मार्ट है, उसके बाजू के पेट्रोल पंप है, बंद पेट्रोल पंप है ये। पेट्रोल पंप के अंदर ये स्कूल का गाड़ी है, वो गाड़ी यहाँ पर कब से बंद पड़ा हुआ है मुझे नहीं मालूम है। वो उसमें फायर हो गया था, सामने के हिस्से के उसमें फायर हो गया, वो हम लोग कंट्रोल कर लिए। जी सर, पेट्रोल पंप बंद है या पार्किंग है? पेट्रोल पंप बंद है, ये पार्किंग है नहीं है, हमको नहीं मालूम है इसके बारे में। यहाँ पर खाली गाड़ी ठहरी हुई है, यहाँ पर थोड़ा वो लागे लग दिए यहाँ पे। हम लोग उसको कंट्रोल उसकी इंक्वायरी भी करा तो उस लोग कोई भी नहीं बता रहे कि यहाँ पर गाड़ी क्यों रखे, क्या रखे, कौन रखने दिया, इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है।